हेलो, मेरा नाम दीपक केड़कर है। मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, एनएलपी ट्रेनर, हिप्नोथेरेपिस्ट और एक कोच हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक कॉमन बीमारी ह्यूमन बीइंग को जो है वो है आरंभशूरता। आरंभशूरता इसका मतलब यह है कि हम कोई भी काम का आरंभ करते हैं और आरंभ करने में हम शूरवीर होते हैं। शुरुआत तो कर देते हैं और उसमें टिके रहते नहीं, टिक कर रहना मुश्किल हो जाता है। जैसा मैं काफी जगह बोलता हूँ, जब कोई 100-200 लोग बैठे हुए हैं तो मैं बोलता हूँ कि आप में से किसका नाम टिके रहना है, तो कोई हाथ उठाता नहीं। तो टिके रहना सब लोग देखते हैं, टिके रहना क्या है, मैंने टिके रहना कौन है यहाँ, तो कोई नहीं बोलते टिके रहना। मतलब टिके रहना नहीं है तो कोई फायदा होगा नहीं। टिके रहना इसका मतलब टिक के रहना, टिक कर रहना। तो कहीं भी टिक कर रहना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि हम शुरुआत कर देते और वहां टिक कर नहीं रहते। कोई भी काम चालू करते हैं, वो जो संभावना है, वो जो इंस्पिरेशन है, वो जो भावना है, उसका आवेग कम हो जाता है, उसका जोश कम हो जाता है और धीरे 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 हम डाउन 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 नीचे नीचे होते जाते हैं और फिर बाद में वो काम बंद कर डालते। एक्चुअली कहां भी आपको यश मिलाने का है तो आपको टिक कर रहना बहुत जरूरी है, आरंभ शुरूता चलेगी नहीं। तो आरंभ करना है, आरंभ करके उसको पूरा करने का। तो यह कैसे पहचानना कि भाई मैं ये जो काम करने जा रहा हूं ये भावना का आवेग है उसकी वजह से करने जा रहा हूं या सचमुच मुझे करना है। मतलब भावना मेरी डिसाइड कर रही है कि मैंने वो काम करना चाहिए कि मेरी बुद्धि डिसाइड कर रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई भी काम आपके मन में आता है कि मैंने ये करना चाहिए, तो उसके लिए फिर आपने समय देना चाहिए। आप 15 दिन 1 महीना उसको समय देते हो और वो समय के बाद जैसा इमोशंस डाउन हो जाते हैं, इमोशन का आवेग जो है, भावनाओं का आवेग कम हो जाता है, बाद में बुद्धि काम करती है और जब बुद्धि बोलती है कि नहीं तू ये काम कर, इसकी शुरुआत कर, ये धंधा चालू कर, इसका आरंभ कर, तो फिर वो करना चाहिए। तो फिर क्या होगा, भावना जाने के बाद में बुद्धि काम करेगी। जब तक भावना हाई रहती है तब तो हम शुरू कर देते हैं, भावना नीचे हो गई हम डाउन कर देते हैं और काम बंद कर डालते हैं। तो कभी भी आपको कुछ भी काम करना है तो काम बुद्धि से करना है, भावना से नहीं करना। भावनाओं से काम किया तो फिर आरंभ शुरूता होती है और वो व्यक्ति फिर काम करना बंद कर देता है। तो ये डिसाइड करो, कोई भी काम चालू करना है, धंधा चालू करना है, कोई भी बातचीत चालू करना है, कुछ भी चालू करना है, कोई वर्कशॉप चालू करना है, कोई सेमिनार चालू करना है, कुछ भी आपके जीवन में आपको शुरू करना है, तो मैं ये काम आखिरी तक ले जाऊंगा क्या, इसका आउटकम क्या है, इसके रिजल्ट्स क्या है, इसके परिणाम मुझे क्या चाहिए, वो परिणाम हासिल करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा, वो परिणाम मुझे हासिल करने के लिए तो उसके जो माइलस्टोन्स है कि भाई 70 माइल का 70 जो है वो कितने माइल्स पे मेरा 70 लगा हुआ है, क्या क्या मैं मील का 70 जिसको बोलते हैं, क्या क्या कितना कितना मैं अचीव करने वाला हूं और कितने समय में अचीव करने वाला हूं, क्या मैं ये पूरा करने वाला हूं कि नहीं हूं, क्या मैं बीच में छोड़ने वाला हूं, तो वो अपने को देखना पड़ता है। काफी सारे लोग देखो, आप जिम लगाते हो, नहीं, एक्सरसाइज चालू करना है, जिम लगाते हैं, जिम की फी है 15,000 रुपये महीना, वो एक इकट्ठा लेता है, वो 15,000 रुपये भर देते हैं, 1 महीना भर जाते हो जिम छोड़ देते, आरंभ शुरूता। नहीं, अभी साइकिल खरीदेंगे और रोज साइकिलिंग करेंगे, 15,000 रुपये की साइकिल लाएंगे, लोग साइकिल लाएंगे, 2-4 दिन साइकिलिंग करेंगे, बाद में वो साइकिल जाएंगी कचरे में, साइकिलिंग बंद, क्योंकि आरंभ शुरू था। तो इसमें काफी बड़ा नुकसान हो जाता है। काफी लोग धंधा चालू कर देते हैं, उसमें पैसा गुताते हैं और पैसा गुताने के बाद में टिकते नहीं है, 6 महीने साल भर के बाद में छोड़ देते। एक्चुअली धंधा जब आपको देखना है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो उसको काफी समय देना पड़ेगा, राह देखनी पड़ेगी, धीरज देखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये जो बीमारी है आरंभ शुरूता, ये बीमारी से हमने सजग रहना चाहिए और इसमें जो जो मैंने अभी बताया हुआ है वो उसका पालन आप करते हैं तो डेफिनेटली आप जो सोचते हैं, आपको जो भी चाहिए वो आपको आखिरी तक यदि वो काम करेंगे तो जरूर मिलेगा। तो टिक करना जरूरी है, आरंभ शुरूता छोड़ने की है। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों को शेयर करो, लाइक करो, और आपके जीवन में आप देखो कि अभी तक आपने कहां कहां ऐसा किया है।
क्या किया था, और आगे आने वाले कोई भी प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो जाए, तो आप आरंभ शुरू नहीं रहेंगे, इसके लिए मैंने क्या क्या करना चाहिए ये देखना है और काम चालू करना है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।